अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहनवाज की और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको 7 मल्ले का ब्रांड न्यू हाउस दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ घर है और इसकी लोकेशन, इसकी अकोमोडेशन, इसकी प्राइस सब कुछ इसमें वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद इसको, आपको ये पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा। ये फ्रंट एलिवेशन में आपको 7 मल्ले घर का दिखा रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 7 मल्ले से थोड़ा सा बड़ा घर है, इसकी डिमेंशंस में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। वैसे तो आम तौर पर लेक सिटी में 25x63 घर की डिमेंशन है, लेकिन इस घर की डिमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका फ्रंट भी बड़ा है और ये मैं आप लोगों को बाहर वाला एरिया दिखा रहा हूँ। ये CNC का बना हुआ गेट है, 30 फिट की रोड्स हैं, इसके सामने पानी, बिजली, गैस सब कुछ मौजूद है। और ये अंदर वाला एरिया जहाँ पे आप 2 गाड़ियाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं, ये आपको बाहर वाली 2 डोर नज़र आ रहे हैं। और ये इस तरफ भी आप कुछ चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। और ये 2 डोर इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि ऊपर वाला एरिया सेपरेट है, ये वाला जो डोर है इससे आप ऊपर वाले एरिए को सेपरेट कर सकते हैं। और वेदर शीट का बाहर काम किया गया है और ये खूबसूरत सी टाइल्स बाहर लगाई गई हैं। और ये दोबारा गेट मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, CNC डिज़ाइन का बना हुआ ये वाइट और ब्लैक कलर का ये गेट है। ये आर्टिफिशियल ग्रास लगाकर और उसमें मार्बल लगाकर इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। ये एरिया फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7 मल्ले का ये घर है। ये देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि इस एरिए को अगर वो वाला TV लाउंज वाला डोर बंद कर दिया जाए तो ये एरिया सेपरेट हो जाता है, तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ये पैसेज है और पैसेज में ही यहाँ पे पाउडर रूम बना दिया है, जो कि आम तौर पर हम गेस्ट के लिए या घर में मेड्स वगैरह हों तो उनके लिए यूज करते हैं। ये स्टेज ऊपर जा रही हैं, ऊपर भी हम जाएंगे। स्टेज के ऊपर वॉलपेपर लगाया गया है। ये एरिया मैं बाद में दिखाता हूँ, ये TV लाउंज है, लेकिन मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम से अंदर लेके आता हूँ ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए। ये ड्राइंग रूम है, ये देखिए वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है और ये सामने बड़ी खूबसूरत सी वॉल बनाई गई है। और यहाँ पर आपको शैंडलर नज़र आ रहा है, जिसे आमतौर पर हम फनूस कहते हैं। और ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत वॉल और इस पर वॉलपेपर लगाया गया है 2 तरह का, ब्लैक और कह लें कि ऑफ वाइट कलर का। ये आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और सिक्योरिटी ग्रिल्स भी लगी हुई हैं इसमें। ये मैं करीब करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसी जगह पे फायरप्लेस भी बनाई गई है, ये देखें ये फायरप्लेस है। ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत बनाया गया है, ये इसकी सीलिंग और उसमें फनूस लगा हुआ है। इस ड्राइंग रूम को डोर लगाकर लग किया गया है ताकि अगर आपके मेहमान हों तो उनको आप ये डोर बंद कर दें और उस एरिए को सेपरेट कर दें, TV लाउंज को आप लग कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको ड्राइंग रूम का एरिया सारा दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम है। 14x13 का ड्राइंग रूम है और ये TV लाउंज है, बहुत ही खूबसूरत TV लाउंज। मीडिया पॉइंट भी दिया गया है इसमें। ये किचन है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को TV लाउंज वाला एरिया दिखा दूँ। ये देखें, ये डोर लगाकर ड्राइंग रूम और TV लाउंज को सेपरेट किया गया है। सात मल्ले का ये घर है, इसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम है, एक किचन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना बड़ा TV लाउंज है और ये वॉलपेपर लगाकर इस वॉल को खूबसूरत बना दिया गया है, बीच में लाइट्स लगेंगे। और ये डब्बा जो है ये चूल्हे का पड़ा हुआ है, ये हुड का चूल्हा डब्बा है जो चूल्हे के ऊपर लगता है, चूल्हा लगा दिया है ये, लेकिन हुड लगाना है अभी। तो ये मीडिया पॉइंट बड़ा खूबसूरत, और इसमें बड़ी खूबसूरत सी एक स्पेस दी गई है जिसमें वेंटिलेशन का यूज़ किया गया है। इसको आप एज ए वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत एरिया दिया गया है जिसको बेडरूम से और किचन से भी आप वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये जो विंडो सामने नज़र आ रही है किचन के अंदर से, ये वेंटिलेशन के लिए है। ये आपको वुडन स्टाइल का जो फ्लोर है वो नज़र आ रहा है, रेड कलर के कैबिन
बड़ा ही खूबसूरत किचन बनाया गया है। किचन छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया गया है, सात मंजिले के लिहाज से ये किचन अच्छा है। ये देखें, ये इसका चूल्हा लगा दिया है लेकिन टॉप अभी लगाना है, रेड कलर के और व्हाइट कलर के इसमें कैबिन लगाए गए हैं। ये फर्स्ट बेडरूम मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूं, ये 12 बाय 10 का बेडरूम है, 12 लंबाई है, 10 फुट इसकी चौड़ाई है, बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। ये इसकी सीलिंग, ये सामने कबर्ड्स नजर आ रही हैं, अटैच्ड बाथ है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये वॉल पर वॉलपेपर लगाकर इसको मजीद खूबसूरत किया गया है और इसमें लाइट्स भी लगाई गई हैं। वाइट और ब्लैक कलर की लाइन वाली टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये देखें, ये इसमें कबर्ड्स दे दी हैं। इसमें 6 बेडरूम है और 7 वॉशरूम है और इसमें 2 टीवी लाउंज है, 2 किचन है। आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं, सेकंड फ्लोर पर इन्होंने जो बेडरूम बना दिया है ना, कमाल का बेडरूम बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में सारी वॉल पर वॉल्स की टाइल्स लगाई गई हैं। ये इसका वॉश बेसन वाइट कलर का और ये इसका मिरर, मिरर के इर्द-गिर्द वुडन स्टाइल की इसमें बॉक्सेस बना दिया है और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, शावर वगैरह सब कुछ दिया गया है। ये फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। ये नीचे वाला मास्टर बेडरूम है, 12 फुट लंबाई और 14 फुट इसकी चौड़ाई है, बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है। ये इसमें कबर्ड्स, वेंटिलेशन के लिए विंडो, इसकी सीलिंग, ये इसका वॉशरूम, बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम दिया गया है। ये आज के नए दौर का शावर लगाया गया है इसमें। वॉल पर वॉल टाइल्स मुकम्मल लगाई गई हैं। ये इसका वॉश बेसन, नीचे भी ये देखें ब्लैक कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है। ये इसमें कम्बोर्ड लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो। ये दूसरा बेडरूम जो मैंने आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर का दिखाया है, अब हम आपको ऊपर भी लेके चलते हैं, ऊपर वाला एरिया भी दिखाते हैं। नीचे 2 बेडरूम है, 7 मरले का ये घर है, 7 मरले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। ये लग डोर दिया गया है कि ऊपर वाला एरिया अगर आपने रेंट पर देना है तो रेंट पर भी दिया जा सकता है। स्टेयर्स जहाँ पे ब्लैक कलर और वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, सामने वॉल पर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये विंडो जो है ये टेरेस की तरफ खुलती है, मैं आप लोगों को टेरेस दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ताकि मैं आपको सुकून से ये सारा घर दिखा सकूँ। ये टेरेस है, यहाँ पर भी वाटर का यूज़ किया जा सकता है, नलका लगाया गया है यहाँ पर भी। ये बाहर वाला टेरेस है जहां पर आप बैठकर शाम को मजे से कॉफी पी सकते हैं। 7 मरले का ये घर है, 6 बेडरूम है इसमें, 7 वॉशरूम है। ऊपर वाला एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और ये एरिया जो है ये फर्स्ट फ्लोर का है, यहां पर भी देखें कितना खूबसूरत और ह्यूज किस्म का टीवी लाउंज दे दिया है। ये इसकी सीलिंग है जिसमें शेंडल लगा हुआ है और सामने आपको वॉलपेपर, बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर नजर आ रहा है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि मेन रोड को खुलता है। ये बेडरूम भी काफी बड़ा है, 12 बाय 12 का ये बेडरूम है। टाइल्स सारे घर में एक जैसी इस्तेमाल की गई हैं और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो और ये इसका वॉशरूम और ये कबर्ड्स और ये वॉलपेपर लगाकर इसको मजीद खूबसूरत कर दिया गया है। इस घर की अगर प्राइस की बात कर लें तो 3 करोड़ 10 लाख रुपया इस घर की डिमांड है। लेक सिटी में ये घर है,
और इसमें 6 बेडरूम है, 7 वॉशरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, 2 किचन है, तीसरा किचन भी बन सकता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस उस तरह उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये इसका वॉशरूम में सारी चीज़ें मौजूद हैं, वॉश बेसन, कम्बोर्ड, वेंटिलेशन के लिए विंडो, मिरर लगा हुआ है, ये इसकी सीलिंग। ये ऊपर वाला बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरा बेडरूम भी दिखाता हूँ। ये हम गुजर रहे हैं टीवी लाउंज के अंदर से, पहले मैं आप लोगों को किचन दिखाता हूँ। ये इसका किचन है, सेम साइज का किचन जैसे ही नीचे किचन दिया गया है। सिर्फ फर्क इसमें यह है कि वहां पर रेड और ब्लैक कलर के कैबिन यूज किए गए हैं, यहाँ पे वुडन स्टाइल के यूज किए गए हैं, और वेंटिलेशन के लिए सेम वही स्पेस जो मैंने आपको दिखाई थी वहीं से वेंटिलेशन दी गई है। चूल्हा लगा हुआ है, इसका भी हुड लगना है अभी, और वुडन स्टाइल की फर्श पर टाइल्स लगाई गई हैं, और ये इसका सिंक है। 3,10,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने इस घर का विजिट करना है तो मेरे दिए गए नंबर 0321-444-7808 पर कॉल करें, मैं आप लोगों को इस घर का विजिट करवा दूंगा। लेक सिटी में ये घर है, 7 मरले का घर है, और ये देखें, ये वही वेंटिलेशन के लिए जो स्पेस दी गई है, ये सारे घर को वेंटिलेशन फ्रेम करती है। और ये देखें, ये इसका बेडरूम, 12x10 का बेडरूम, ये वॉलपेपर लगाकर इस वॉल को इंतहाई शानदार बना दिया है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, इसमें भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, अटैच्ड बाथरूम है, इसकी सीलिंग बड़ी खूबसूरत है, ये देखिए नए डिज़ाइन नए स्टाइल में बनाई गई है। कबर्ड्स वगैरह मौजूद हैं इसमें, और इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, और ये कबर्ड है इसकी, और ये इसका वॉशरूम, अटैच्ड बाथ है, सेम तर्ज की इस चीज़ें लगाई गई हैं इसमें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 3,10,00,000 रुपया इस घर की डिमांड है। अगर आप लोगों ने विजिट करना है तो स्क्रीन पर नंबर बार बार आता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको विजिट करवा दूंगा। बहुत ही शानदार घर बना हुआ है, और इसमें फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और फिनिशिंग का कमाल यह है कि हर चीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। फिनिशिंग बड़ी उम्दा तरीके से की गई है। ये देखें, ये वाला बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है, ये सेम साइज़ का है, 14x12 का, और ये इसकी सीलिंग, ये वॉलपेपर। देखें, हर रूम में बड़ा शानदार और बेहतरीन काम किया गया है, वॉलपेपर का इस्तेमाल बड़ा चुन के किया गया है, और ये इसकी अलमारियाँ और वेंटिलेशन के लिए विंडो, अटैच्ड बाथ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये पूरा बेडरूम मैं आपको दिखा दूं, ये इसका वॉशरूम, नए दौर का नए स्टाइल का शावर लगाया गया है, वॉश बेसन, कम्बोर्ड, बाथ की सारी दीवारें जो हैं वो टाइल से कवर की गई हैं, सारी दीवार पर वॉल्स पर वॉल टाइल्स लगाई गई हैं। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, वो एरिया आप देखकर बहुत खुश होंगे कि आम तौर पर जो बेचने वाले घर होते हैं या बिकने वाले घर होते हैं उनमें ऊपर इतना काम नहीं किया होता, यहाँ पे बहुत उम्दा काम किया गया है सेकंड फ्लोर पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेज पर वही पत्थर लगाया गया है, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का, इसमें ऊपर लग ही एक दुनिया बसा दी गई है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, एक ममटी सी बनाई हुई है, लेकिन ममटी से आगे जो रास्ता जाता है वो बड़ा क्लास का है,
ये देखें, ये एरिया छोड़ा गया है, इसको आप स्टडी रूम बना सकते हैं, इसको आप किचन बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको आप किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन स्टडी रूम या छोटा सा किचन भी बना लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इसमें बहुत ही बड़ा बेडरूम दे दिया है। ये देखें, बहुत बड़ा बेडरूम है, ये 14x14 का बेडरूम है, और इसमें वॉशरूम भी दे दिया गया है। ये वॉलपेपर लगाकर इसको वॉल को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। आमतौर पर सिर्फ ममटी बनाकर छोड़ दिया जाता है ऊपर, जिसको आप एज ए स्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो रूम दे दिए हैं जिसमें आप स्टडी रूम भी बना सकते हैं, किचन भी बना सकते हैं, कंप्यूटर रूम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऊपर बहुत शानदार किस्म का बेडरूम दे दिया है। यहाँ पे WC का इस्तेमाल किया गया है, कम्बोर्ड नहीं लगाया गया, और ये देखें पूरी वॉल पर वॉल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कबर्ड्स बना दी हैं इसकी, 7 मरले का ये घर है, 6 बेडरूम का ये घर है, 6 बेड या 7 भी कह सकते हैं। जो शुरू वाला एरिया है वो भी आप बेडरूम बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको यूटिलाइज करते हैं, स्टडी रूम भी बना सकते हैं। और इसमें 7 वॉशरूम है, 2 TV लाउंज है, 2 किचन है और 1 ड्राइंग रूम है। तो ऊपर वाला एरिया दिखा दिया, ये मैं आपको छत भी दिखाता हूँ। छत में भी आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। ये देखें, बादल मार्बल लगाकर इस छत को पूरा कवर किया गया है, और वेदर शीट का इस्तेमाल किया गया है वॉल पर, ताकि वेदर ख़राब हो या बारिश वगैरह हो तो वॉल्स को कुछ ना हो। तो ये ऊपर ग्रिल लगा दी गई है, सेफ्टी ग्रिल छत के ऊपर। और मैं आपको वॉशिंग एरिया भी दिखाता हूँ। वॉशिंग एरिया आप देखें, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। जाते जाते इस चैनल का ख्याल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ, जिन लोगों के पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों को अपना घर नसीब करे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।